दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप एडवांस लेवल के मैक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं और आपकी जो रेफरेंस बुक है उसमें एच एल आहूजा सर की बुक का रिकमेंडेशन दिया हुआ है तो मेरे पास आप बच्चों के लिए कोर्स है। देखिए, ये जो कोर्स है ये यूजी के बच्चों के लिए भी रिलेवेंट है, पीजी के बच्चों के लिए भी रिलेवेंट है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी रिलेवेंट है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो, यानी कि तमाम कोर्सेज जहां पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है वहां पर आपका ये रिलेवेंट है। तो देखिए, इसके लिए बुक जो मैंने यूज़ की है वो एच एल आहूजा सर की बुक यूज़ की है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी बुक एच एल आहूजा सर की बुक को कॉपी करती हो, मैंने अपनी बुद्धि अपना विवेक का भी यूज़ किया है और साथ ही साथ कुछ और भी रेफरेंस यूज़ किया है, लेकिन एच एल आहूजा सर की बुक में जिस तरीके से कंटेंट दिया हुआ है, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है, उसी ऑर्डर में हमने ये पूरा का पूरा कोर्स अरेंज किया हुआ है। तो अगर आपके पास 20th एडिशन है, अगर कोई एडवांस एडिशन है तो भी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती नहीं है, समय आने पर हम भी इसमें कुछ नई चीज़ें अपडेट करते रहेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है कोर्स है वो 20th एडिशन को ध्यान में रख के ही बनाया हुआ है। तो आपके लिए इस कोर्स के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगे जिसका कि अनलिमिटेड व्यू है, यानी कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियो देख सकते हो। पीडीएफ नोट्स जो अवेलेबल हैं हमारे पास में वो भी हम इसमें अपडेट कर देंगे जिससे कि आप देख सको। इसके अलावा कोई डाउट अगर आपकी क्वेरी है तो शाम को 6 to 7 आप हमसे बात कर सकते हो, काउंसलर से भी बात कर सकते हो, मुझसे भी बात कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये पीसी पे भी अवेलेबल है, आपके पास लैपटॉप हो, पीसी हो या मोबाइल हो, आप किसी पे भी इसको देख सकते हो, किसी पे भी एक्सेस आप कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों फ़ोन में वीडियो डाउनलोड भी हो सकती है जिससे कि आप बाद में बिना इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो को देख भी सकते हो। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं। कोर्स जो है वो पूरी तरीके से एच एल आहूजा सर की बुक को फॉलो करके ही बनाया हुआ है और इस पूरे के पूरे कोर्स में अंदर देखिए एच एल आहूजा सर की बुक देखोगे तो उसमें कई सारे पार्ट हैं, यानी कि 8 पार्ट तक हैं, लेकिन इसके अंदर हमने फर्स्ट से लेके 5th पार्ट ही कवर किया हुआ है। 6, 7, 8 के लिए हम अलग कोर्स बनाएंगे क्योंकि जो 5, 6, 7 है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो अगर हम उनको भी इसमें कवर करते तो बहुत बड़ा कोर्स हो जाता हमारे लिए। इसलिए इसके अंदर बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कोर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक ही सफिशियंट है। तो ये सारा का सारा पार्ट आपको कवर है। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ और सिलेबस है तो आप हमें अपना सिलेबस व्हाट्सअप कर दें, आपके अकॉर्डिंग हम कोर्स बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा कोर्स जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखा रहा हूँ जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन एच एल आहूजा पार्ट 1 से लेकर 5 तक 20th एडिशन। तो अगर आपको स्टोर में सर्च करना हो, मान लीजिए आपको सर्च करना हो तो आप स्टोर में जाएंगे तो स्टोर में तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसलिए आप क्या कीजिएगा एच एल लिख दीजिएगा तो आपको यही वाला कोर्स जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इसके अंदर प्रीव्यू भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत देख भी सकते हो किस तरीके से स्टार्टिंग है। तो देखिए, यहाँ पे कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है लेकिन हिंदी में अभी हम उस तरीके से अरेंज नहीं किया है, जो अरेंजमेंट है वो इंग्लिश मीडियम से ही है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप देख लीजिएगा, मतलब आप अपनी इनको भी अरेंज कर देंगे कुछ, क्योंकि टॉपिक हमने एच एल आहूजा सर की बुक से ही बनाई है अभी, इसी को बेस मानकर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। तो इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरीके से एच एल आहूजा सर की बुक का कंसेप्ट है, लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, उसी तरीके से हमने सारा का सारा कंसेप्ट उसी तरीके से अरेंज किया हुआ है, इसी तरीके से अरेंज किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसके अलावा अभी होली के सीजन में अभी यहाँ पे कूपन भी लगा होगा, तो यहाँ पे देखिए कूपन जो है वो तो कई सारे हैं लेकिन इसके लिए 30% ही अप्लीएबल है। तो ये जो कोर्स है ये अभी आप बाय करते हो तो लगभग आपको 862 रुपीस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं बच्चों। तो इससे आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, बेसिकली आपको जो बताने का पर्पज था वो यही था कि अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है और एच एल आहूजा सर की बुक आपका रेफरेंस है तो आपको कोई और जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी कोर्स के अंदर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और आप याद रखिएगा केवल पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक ही इसके अंदर डाला हुआ है, 6, 7, 8 को हम अलग कोर्स बना के इसमें डालेंगे क्योंकि उसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो कई जगह वो नहीं पढ़नी होती है तो उसको हमने अलग कोर्स बना दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।